के साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से करीब 2 साल से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। ऐसे में अधिकतर राज्यों में स्कूल और कॉलेजेस बंद थे, लेकिन कोरोना के मामलों में अब कमी आने के बाद देश में फिर से एक बार स्कूल खोलने का सिलसिला शुरू हो गया है। जी हां, 1 सितंबर यानी कि आज से कई राज्यों में बंद चल रहे स्कूल कॉलेज खुलने वाले हैं। यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में सख्त प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खोले जाएंगे और यूपी में आज से 1 से 5 कक्षा तक के स्कूल खुलने वाले हैं। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद की निगरानी के लिए टीमें भी बनाई गई है जो कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस के अनुपालन की निगरानी भी करेंगी। वहीं बता दें कि स्कूल सुबह 8 बजे से खोल दिए गए हैं और कक्षा का संचालन 2 पालियों में इस बार किया जाएगा। वहीं ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन कक्षा का भी विकल्प उपलब्ध होगा। वहीं यूपी के साथ ही दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी आज से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। बता दें दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे, तो वहीं मध्य प्रदेश में कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चे आज से स्कूल पहुंचेंगे। वहीं राजस्थान में भी करीब 6 महीने के बाद आज से स्कूल खुलने जा रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने भी 1 सितंबर से यानी कि आज से स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सुबह 7:30 बजे से 9वीं से 11वीं कक्षा के लिए स्कूल खुल गए हैं। वहीं 10वीं और 12वीं के छात्र 8 बजे से यानी कि अब वो जाएंगे स्कूल। ऐसे में 8वीं और इससे नीचे की कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोलने के संबंध में सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। वहीं इन राज्यों की सरकार ने स्कूल खोलने की छूट तो दी है, साथ ही सख्त गाइडलाइंस भी जारी की है जिसका सख्ती से अनुपालन अनिवार्य होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क और सैनिटाइजेशन पर भी जोर दिया जाएगा। वहीं राजस्थान सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक 60% बच्चे ही स्कूल जा सकेंगे जबकि 40% बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन ही कराई जाएगी। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि स्कूल खुलने पर किन किन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। मास्क और सामाजिक दूरी का पालन कराया जाएगा सभी बच्चों से, और साथ ही आपको बता दें कि अब स्कूल खुल गए हैं तो ऐसे में मास्क और सैनिटाइजर का पालन कराया जाएगा। वहीं स्कूल जो है वो 2 पालियों में पढ़ाई होगी स्कूलों में, यानी कि 1 4 घंटे की पहली 1 पाली होगी, उसके बाद आधे बच्चे दूसरी पाली में आएंगे। वहीं ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कक्षाओं का भी विकल्प इस बार बच्चों को दिया गया है, यानी कि जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं तो ऑनलाइन घर बैठकर ही शिक्षा ले सकते हैं। वहीं सुबह 8 बजे से स्कूल जो हैं वो खोल दिए गए हैं, यानी कि देखिए तमाम गाइडलाइंस जो हैं उनका पालन कराया जा रहा है बच्चों से, और ऐसे में मास्क और सैनिटाइजर भी बच्चों को ज़रूरी है। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जो विकल्प है उनका बच्चों को ऑप्शन दिया गया है, और उन दोनों ही विकल्पों में से कोई एक भी विकल्प बच्चे अपनी इच्छा अनुसार अपनी स्थिति को देखते हुए चुन सकते हैं और उसी के हिसाब से वो स्कूल आ सकते हैं अगर आना चाहते हैं, और ऐसे में अगर वो नहीं स्कूल आना चाहते तो वो घर बैठे ही अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकते हैं। वहीं ये भी बता दें कि आज से जो है स्कूल खुले हैं तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर ये स्कूल खोल दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें कि कोरोना गाइडलाइंस का भी पूरी तरह से स्कूलों में पालन कराया जाएगा, ये भी ध्यान रखा जाएगा, इसका भी सख्ती से पालन होगा बिल्कुल। वहीं 1 से 5वीं तक के कक्षा के स्कूल आज से यूपी में खुल गए हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने ये आ जाती है कि किस तरह से बच्चों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए, क्योंकि फिर से एक बार देश में कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए स्कूलों की तरफ से प्रतिबंध तो पूरा कर लिया गया, तैयारी तो पूरी कर ली गई है कि सैनिटाइजर जो है बच्चों को सैनिटाइज कराया जाएगा, उनका सामान सैनिटाइज कराया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग कराई जाएगी और उसी तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट बच्चों का कराया जाएगा। ये तमाम इंतजाम स्कूल की तरफ से कर लिए गए हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बच्चे कब तक और किस हद तक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर पाते हैं। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रूबी, आज से यूपी में 1 से 5वीं तक के स्कूल खुल गए हैं, ऐसे में देखिए बारिश का भी मौसम है और लिहाजा बच्चे भी आज काफी उत्साहित होंगे। और लखनऊ की बात करें या उत्तर प्रदेश की पूरी बात करें स्कूलों की,
सभी जगह पे यही सोचना है कि जो स्कूल है वहाँ के प्रिंसिपल को खास निर्देश यही दिए गए हैं, जिन स्कूलों में मास्क नहीं दिखेगा या सैनिटाइजर नहीं दिखेगा वहाँ पे उन स्कूलों में बच्चों को प्रवेश ना दिया जाए। अब ऐसे में कोरोना के जो मरीज हैं उसमें भी बढ़ोतरी होती हुई दिख रही, क्योंकि रातों रात लखनऊ के बात करें या आसपास की जगह की बात करें तो कई मरीजों का सामना बढ़ोतरी निकलती चली आ रही है। लेकिन अगर ऐसे में स्कूल खुल रहे हैं तो निश्चित तौर पे टीचर हो या प्रिंसिपल हो उनके लिए चेतावनी, ये कह सकते हैं उनके लिए चुनौती भी जरूर है, क्योंकि ऐसे में छोटे बच्चों को देखरेख करना बड़ा टफ हो जाता है। और स्कूल हो या प्रबंधन हो पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ तैयार हो चुके हैं, स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल रूबी, और देखिए ये एक ऐसा समय है स्कूल खोलने का, 1 सितंबर से देखिए पहले ही ये निर्णय ले लिया गया था कि स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन अब ये ऐसा समय आ गया है जब कल ही योगी सरकार ने ये फैसला लिया है कि कोरोना का कर्फ्यू का टाइम जो है वो घटा दिया गया है, यानी कि रात 10 बजे से 9 बजे कर दिया गया। और एक बार फिर से देश में जो है कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो इस बीच जो है स्कूल खोलना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो गार्जियन है उसका भी यही कहना है, हम अपने बच्चों को अपने रिस्क पे भेज जरूर रहे हैं, लेकिन अगर हालात जरा बहुत भी दिखेंगे कि बच्चे की मरीजों में या स्कूलों में कहीं भी कोई बच्चा बीमार पाया जाएगा तो हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। कुछ ऐसे भी स्कूल है, मैं बता दूं पारुल, यहाँ पे लखनऊ की बात कर रही हूँ, कि यहाँ पे कुछ गार्जियन ने लिखित तौर पे भी दिया हुआ है कि अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो खास ध्यान रखा जाए, मास्क नहीं है तो बच्चों को नहीं भेजेंगे, सैनिटाइजर का अगर इंतजाम नहीं, यानी कि पेरेंट्स जो है माता पिता जो है वो खुद देख रहे हैं कि स्कूल में अगर उनका बच्चा सेफ है सुरक्षित है तभी वो बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। हालांकि इस मसले में प्रिंसिपल भी खुद ही राउंड पे रहती है, टीचर जो है उनका ये कहना है कि साफ हम लोगों को निर्देश दे दिया गया, कैमरे की निगरानी की गई है, हर क्लासरूम में कैमरा लगा दिया गया है। प्राइवेट अगर स्कूल की बात करें या सरकारी स्कूल की बात करें, सरकारी स्कूलों में जो आया होती है घंटा बजाने वाले जो चपरासी होते हैं उन सभी को खास कह दिया गया है कि कोई भी 4 बच्चे एक साथ खड़े ना हो, यानी कि जो इंटरवल होता था उसमें बच्चे खेले ना, क्लास में ही अपने अपने क्लासों में प्रेयर हो, और यहाँ तक कि जो टिफिन शेयर होगा उसको भी अपने ही क्लासों में किया जाए। खासतौर से बच्चों को जो दूरियां हैं उसका खास ख्याल रखा गया है, हर एक क्लास में बच्चों की जो बैठने की जो जगह है उसको काफी दूरी दूरी पर डेस्क लगाया गया है कि बच्चे आए जरूर। बिल्कुल रूबी, और आज जब देखिए 8 बजे से स्कूल खुल गए हैं तो कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात होगी कि कितनी संख्या में बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, क्या स्ट्रेंथ स्कूल में देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए ज्यादातर पेरेंट्स ऐसे हैं जब स्कूल की तरफ से दोनों ही विकल्प दिए गए हैं कि या तो आप ऑफलाइन करा सकते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेज कर पढ़ाई करा सकते हैं, वरना ऑनलाइन करा सकते हैं, तो आज देखने वाली बात ये भी होगी कि कितने बच्चे स्कूल आते हैं और कितने ही बच्चे घर पर बैठ के पढ़ाई करेंगे। निश्चित तौर पे पारुल, मैं अगर प्रयागराज की बात करती हूँ यहाँ पे भी कल एक मामला यही था, यहाँ के स्कूलों में कई ऑब्जेक्शन ऐसे ही हुए हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। अब इस पे जो स्कूल के जो टीचर्स या प्रिंसिपल का उसका यही कहना रहा, आप अपने बच्चे अगर नहीं भेज रहे ठीक है आप ऑफलाइन पढ़ाई कराइए, यानी कि जो प्रेशर है टीचर की बात करें या प्रिंसिपल की बात करें डबल है। कुछ टीचरों से मेरी भी बातचीत हुई थी उसमें भी उनका यही कहना रहा कि बहुत डबल काम करना पड़ा, यानी कि एक ऑफलाइन देखना पड़ रहा है, फिर उसके बाद जब बच्चे सामने आ रहे हैं फिर उनको भी ध्यान देना पड़ रहा है, उसके साथ ही साथ कोरोना से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं उनको भी बच्चों को देना पड़ रहा है, तो ऐसे में डबल जिम्मेदारी जो है या ये कह सकते हैं डबल ड्यूटी निभानी पड़ रही है टीचर और प्रिंसिपल को। जी चलिए रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज से यूपी सहित कई राज्यों में स्कूल खुल गए हैं, और आज से यूपी में कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खुल गए हैं, हालांकि स्कूल प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं, कोरोना प्रोटोकॉल्स का बच्चों से पालन कराया जाएगा, इसको भी काफ़ी ध्यान में रखा गया है कि किस तरह से सभी बच्चे कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करें, इसको भी सुनिश्चित किया गया है। लेकिन अब जब देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो ऐसे में अब एक कहीं ना कहीं अभिभावकों में भी डर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले देश में अब बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में एक बार फिर से छोटे बच्चों के स्कूल जो हैं वो खोल दिए गए हैं, यानी कि देखिए स्कूल खुल गए हैं और उन बच्चों के जो कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि अब देश में मामले कोरोना के बढ़ने लगे हैं, वहीं आगे देखने वाली बात है कि हालात कैसे बनते हैं।
बीते सप्ताह सुस्त पड़े मॉनसून ने मंगलवार से रफ्तार एक बार फिर से पकड़ ली है। जी हां, मंगलवार को रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई और आज भी देर रात से रुक रुक कर बरसात का सिलसिला लगातार जारी है और दिल्ली NCR के और आसपास के इलाकों में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। वहीं बता दें, दिल्ली NCR में बारिश लगातार पड़ रही है और इससे पहले दिल्ली NCR में मंगलवार को हुई बारिश ने 7 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। माफ कीजिएगा, सोमवार को हुई बारिश ने, और ऐसे में 24 घंटे के भीतर राजधानी में 84.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो साल 2013 के बाद से सबसे ज्यादा थी। इससे पहले अगस्त में 7 साल पहले बता दें 95.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी और अगले 24 घंटों में भी मॉनसून सक्रिय रहेगा। इसे लेकर भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली NCR में पिछले कई दिनों से लोगों का गर्मियों का सामना करना पड़ रहा था, लोगों का बुरा हाल था गर्मी से। वहीं सप्ताह भर से मौसम बन रहा था लेकिन कुछ इलाकों में हल्की बारिश से राहत अधूरी थी। ऐसे में अब मंगलवार की सुबह से ही पूरी दिल्ली NCR में काले बादल छाए हुए थे और ऐसे में कुछ देर में ही बादलों ने बरसना भी शुरू कर दिया और रिमझिम फुहारों के साथ शाम तक बारिश का दौर जारी रहा। ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को अधिकतम तापमान भी सामान्य से 5 डिग्री कम यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो साल 2010 के बाद से सबसे कम है। वहीं इससे पहले ये बता दें 31 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया था। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से कल से ही दिल्ली में बारिश का सिलसिला जो है जारी है और आज सुबह से भी बारिश जो है दिल्ली में लगातार तेज पड़ रही है, जिससे कई इलाकों में जलजमाव जैसी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। पंजाब कांग्रेस में चल रहे घमासान को सुलझाने के लिए पार्टी प्रभारी हरीश रावत मंगलवार की शाम चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कैबिनेट मंत्री राणा सोनी से मुलाकात के बाद पंजाब कांग्रेस भवन में सिद्धू और बाकी अन्य मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात की। वहीं सिद्धू खेमे के मंत्रियों ने फिर से पंजाब में नेतृत्व बदलाव करने की मांग उठाई और इस पर रावत ने दो टूक में कहा कि ये बदलाव का नहीं, संगठन को मजबूत करने का समय है। वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नवजोत सिद्धू की नियुक्ति के बाद लगातार सिद्धू और उनके खेमे के मंत्री विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। हाल ही में सिद्धू खेमे की ओर से पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन किए जाने की मांग जोर शोर से की जा रही है। ऐसे में पंजाब कांग्रेस में फिर से शुरू हुए इस घमासान को सुलझाने एक बार फिर पंजाब प्रभारी हरीश रावत मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे। वहीं शाम लगभग 5 बजे हरीश रावत ने खेल मंत्री राणा सोनी, कार्यकारी प्रधान कुलजीत नागरा और विधायक परगट सिंह से मुलाकात की। वहीं कुछ देर चर्चा के बाद रावत एक ही गाड़ी में नागरा और परगट के साथ पार्टी के दफ्तर भी पहुंचे, जहां पहले से मौजूद पार्टी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उन्होंने चर्चा की। साथ ही बता दें कि पार्टी सूत्रों के अनुसार इस दौरान सिद्धू खेमे की ओर से राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की मांग की गई है। हालांकि इस मौके पर सिद्धू कुछ खास नहीं बोले, रावत ने उनकी मांग को सिरे से खारिज जरूर कर दिया। उन्होंने सभी से कहा कि चुनाव नजदीक है और इसीलिए संगठन पर मजबूती से काम करना भी जरूरी है। इस साल जापान के टोक्यो में हुए ओलंपिक गेम्स के बाद पैरा ओलंपिक गेम्स में भी भारत का जबरदस्त प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। जी हां, टीम इंडिया अब तक कुल 10 मेडल्स जीत चुकी है, यानी कि पिछले सभी पैरा ओलंपिक गेम्स का रिकॉर्ड काफी अंतर से पीछे छूट चुका है और इसी के साथ भारतीय टीम की निगाह अब पैरा ओलंपिक की सर्वकालिक पदक जीतों के रिकॉर्ड को तोड़ने पर होगी। ऐसे में बता दें, भारत ने 1968 में पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेना शुरू किया था और तब से लेकर साल 2016 तक भारत ने पिछले 53 साल में कुल बता दें 95 एथलीट्स ने 12 मेडल्स ही हासिल करने में सफल हो पाए थे। हालांकि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत का 54 खिलाड़ियों का दल अब तक 10 पदक अपने नाम कर चुका है और ऐसे में 5 सितंबर तक चलने वाले इस पैरा ओलंपिक में अभी 5 दिन बाकी हैं। इस दौरान भारत को कम से कम 23 इवेंट्स में मौका मिलेगा और जबकि इनमें से कुल 23 खिलाड़ियों का हिस्सा लेना भी बाकी है, जो पदक के बड़े दावेदार भी हैं। इन इवेंट्स में एथलीट्स को से लेकर बैडमिंटन और शूटिंग और तीरंदाजी के इवेंट्स भी शामिल हैं और अगर भारत इन इवेंट्स में जीत हासिल करता है तो भारत का पैरा ओलंपिक में सर्वकालिक 12 मेडल्स जीत का रिकॉर्ड टूटना भी तय माना जाएगा।
कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच टीकाकरण के मोर्चे से एक और अच्छी खबर आई है। जी हाँ, भारत में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर नया रिकॉर्ड बन गया है। दरअसल भारत ने अब एक दिन में 1,32,00,000 से ज्यादा वैक्सीन डोज देकर अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 31 अगस्त को एक ही दिन में 1,31,45,267 डोज लगाई गई और इनमें से 1,35,652 पहली डोज और 32,09,614 दूसरी डोज शामिल हैं। इसी के साथ ही भारत ने अब तक 65,32,00,000 डोज लोगों को लगा दी हैं। ऐसे में बता दें, भारत में अब कुल डोज का यह आंकड़ा कितना बड़ा है, इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि अमेरिका की कुल आबादी का दुगना है। यानी कि भारत ने अकेले अब तक अमेरिका की दुगनी आबादी के बराबर वैक्सीन डोज लगाई है। पिछले एक हफ्ते में भारत ने हर रोज औसतन 74,00,000 से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई है। जाहिर है, दुनिया में आज कोई भी देश इतनी तेजी से हर रोज वैक्सीन नहीं लगा रहा है जितनी तेजी के साथ भारत वैक्सीनेशन का काम कर रहा है। अयोध्या जाते समय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया सुल्तानपुर पहुंचे, जहां पर उन कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और इसी दौरान राजा भैया ने कहा कि पार्टी की इकाइयों को सक्रिय करना हमारी प्राथमिकता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन के लिए अभी किसी भी राजनेता या दल से कोई बात नहीं हुई है। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल चिन्हित सीटों पर जीतने के लिए चुनाव लड़ेगी। इटावा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। बता दें, यात्रा में शामिल होने वाले व्रत को सैफई से एसएस मेमोरियल स्कूल में डाका खड़ा करवाया गया है और ऐसे में सूत्रों के मुताबिक सामाजिक परिवर्तन यात्रा यूपी के मथुरा से 15 सितंबर के बाद से शुरू होगी। वहीं प्रसपा के कार्यकर्ता और नेता यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो बता दें, इटावा का पूरा मामला है जहां पर प्रदेश में जो है सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी और 15 सितंबर से ये यात्रा शुरू होगी और ऐसे में प्रसपा के सभी कार्यकर्ता जो हैं इस यात्रा के लिए तैयारियों में अभी से जुट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सुपर स्टार के एलराइट बिल्डिंग को ध्वस्त करने के आदेश के बाद आसपास के रेजिडेंट्स ने खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि आदेश बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन लड़ाई काफी लंबी चली और आखिरकार इसमें हमें जीत मिली है। लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत है। ऐसे में नोएडा अथॉरिटी को अपने कार्यशैली में बदलाव लाना चाहिए और नोएडा सिटी को सुंदर बनाने के लिए योगदान भी करना चाहिए। बता दें, कल ही सुपरटेक की 2 ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का आदेश दे दिया है और दोनों ही टावर जो हैं, आपको ये भी बता दें कि 40 मंजिला दोनों टावर हैं और 1,000 इन दोनों ही टावर में फ्लैट हैं। ऐसे में अब जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है, इसको लेकर लोगों ने भी खुशी जाहिर की है। वहीं आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ितों के बीच पहुंचकर ऐसे में उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। बता दें कि पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील में आई आपदा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को आपदाग्रस्त क्षेत्र जुम्मा और एलाघाट का दौरा किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर बातचीत की और उनका हालचाल भी जाना। वहीं इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के साथ सांसद अजय टमटा भी नजर आए। आपको बता दें कि जमीनी दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री ने एलाघाट के आपदाग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी किया, साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी को पीड़ितों के
को पूर्ण राहत और अन्य सुविधाएं पहुंचाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी पीड़ितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1-1 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति भी दी है। पूरे क्षेत्र में जुमा तो हमारे इलागाड़ के आसपास और अन्य जगह पर लोगों के घर बह रहे हैं, जान माल की हानि हुई है, 7 लोग लापता हुए हैं जिसमें से 5 लोगों की रिकवरी प्राप्त हो रही है, 2 लोगों की रिकवरी होनी है, उसके लिए प्रक्रिया जारी है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वहाँ 1-2 लोगों के जाने आने का रास्ता रास्ते कई जगह पर बह गए हैं, पूरे क्षेत्र बहुत सारी जगह पर क्षेत्र में भी और हमारे उधर गढ़वाल में भी वहाँ सभी जगह जहाँ जहाँ हमने दौरा किया है कहीं कहीं पूरी छोटी सड़क चली गई है, उसको बनाने में काफ़ी टाइम लग रहा है। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द बने, 2-3-4 DCB जितनी भी लग रही हैं अगले मशीनें लगाकर जल्दी से जल्दी हम सामान्य स्थिति करना चाहते हैं। उसके अलावा हमारा प्रयास है कि लोगों को खाद्यान्न की कमी न पड़े, लोगों को दवाइयों की कमी न पड़े और हेली सेवा जो अभी 31 अगस्त तक हमने पहले यहाँ पर चालू की थी उसको हम बढ़ा रहे हैं अगले 1 महीने तक और अगर उससे आगे भी 1 महीने और जरूरत पड़ेगी, जितनी जरूरत पड़ेगी जब तक यहाँ पर मौसम ठीक नहीं होगा तब तक लोगों को जरूरत होगी उसको करेंगे। कोला में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 लगातार धंसता जा रहा है जिसके चलते पास में ही से जोशीमठ के लिए सप्लाई होने वाली 132 केवी की लाइन खतरे की जद में आ गई है। आपको बता दें कि बीते 25 जुलाई को यही पर एक निजी होटल, गौशाला और सामुदायिक भवन भूस्खलन से खतरे की जद में आ गए थे, जिसके बाद 7 अगस्त को होटल, रघुवीर, गौशाला और सामुदायिक भवन पूरी तरह से भूस्खलन में जमींदोज हो गया था। इसके साथ ही तपोवन विष्णुगांव जल विद्युत परियोजना के मुख्य सुरंग तक जाने वाली सड़क और प्रवेश द्वार भी भूस्खलन की चपेट में आ गए थे। अगर समय रहते ही सड़क और विद्युत लाइन का विकल्प तैयार नहीं किया गया तो जोशीमठ समेत सीमांत क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क के टूटने से संपर्क तो कट ही जाएगा, साथ ही 132 केवी लाइन भी टूटने से पूरी सीमांत क्षेत्र में जोशीमठ से पाखी तक लोगों को कई दिनों तक अंधेरे में रहना पड़ सकता है। इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।